दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत मोबिलिटी में। और इससे पहले आपने जो वीडियो देखी थी उसमें आपका M2J E-रिक्शा का हमने रिव्यू किया था। इसमें हम M2J E-Loader का करने वाले हैं। हमारे साथ फिर से सर हैं। ये हमें बताएंगे कि इनका लोडर में क्या खास बात है। और सर एक बार फिर से शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए और थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है, तो बताइए कि आपके E-Loader में जो क्या खास बात है। अच्छा, मैं पहले बता दूँ इनका ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग पूरा असेंबलिंग यूनिट है। ये पूरा असेंबल होता है यहाँ पे, आप इतना सारा देख रहे हैं। ये सारे जो पार्ट्स हैं सब यहाँ पे आके असेंबल होते हैं। और क्योंकि असेंबलिंग यूनिट है तो कोई भी रिपेयरिंग का कोई भी एक्स्ट्रा काम हो तो यहीं पे आसानी से हो जाएगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप कोई भी E-Loader E-रिक्शा लेते हैं तो उसी जगह से लीजिए जहाँ पे उनकी सर्विस अवेलेबल है, क्योंकि सर्विसिंग आफ्टर E-रिक्शा लेने के सर्विसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। और सर ये हमारा लोडर है और लोडर में हम लोग जो है सेम वही रिक्शे वाले फीचर मेन सारे देते हैं। इसका भी शॉकर जो है काफ़ी हैवी है, हम लोगों ने दिया है। जैसे हमने ये रिक्शा में बताया था, आपका कैट का शॉकर है, आपका ये लोहे की रिंग, इसमें आप अलॉय व्हील देते हैं। अलॉय व्हील ऑप्शनल है, अगर आप अलॉय व्हील लेना चाहेंगे तो जो अलॉय व्हील के शौकीन है वो अलॉय व्हील ले सकते हैं। ठीक है, वो ऑप्शनल है, लगवाना चाहे तो लगा। उससे कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा। हाँ जी, उसका डिफरेंस जो भी रेट का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बिल्कुल। और यहाँ पे आपको हम जो लाइटें हैं वो सारी एलईडी वाली देते हैं। टायर 375/12 है, 375/12 टायर है और हैवी टायर है थोड़े से। हाँ जी, टीवीएस या सीएट का होता है। टीवीएस सीएट जो आप चाहें वैसे रख सकते हैं। और यहाँ पे एलईडी लाइट दोनों साइड दे रखा है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर हैलोजन लाइट दे रखी है, इसमें एलईडी का ऑप्शन हम देते हैं। अभी एलईडी अगर इसमें नहीं लगी, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं जैसे कि हमने ई-रिक्शा में बताया था, आपको एलईडी और हैलोजन दोनों का ही ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर शीशा है, फ्रंट ग्लास है, बढ़िया काफी चौड़ा और सेफ है, बारिश से भी और दूसरे मिट्टी से सब जगह से बचाता है। और यहाँ ऊपर M2J के लोगो लगा पर हम आगे पीछे आते हैं ड्राइविंग सीट पे। इसमें भी स्पेशियस है आपका, जैसे हमारे रिक्शा में था। जैसे कि सीट का मैंने बताया था, सीट आपको ई-रिक्शा वैसी सीट आपको यहाँ मिल रही है। और यहाँ पे आपको अभी मैट जब आएंगे आप मैट लगा के दे दिया जाएगा। यहाँ पे आपका फुटरेस्ट है और अच्छे खासी जगह पे फुटरेस्ट दे रखा है, अकॉर्डिंगली जैसे आप करना चाहें वैसे यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, इस साइड आपको देखो यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक दे रखा है और ठीक है, हैंड ब्रेक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पे आपको ये मिल रहा है, इसमें भी स्पीडोमीटर है, सेम वही इंडिकेटर वगैरह पूरा सारा कुछ इसमें फंक्शन है। स्पीड्स भी हैं और बैटरी का इसमें आपका सेंट्रल लॉक, ये तो नॉर्मल चाबी सेंट्रल लॉकिंग का, इसमें सेंट्रल लॉकिंग भी होता है। सेंट्रल लॉकिंग लगा के देते हैं, हमारा इनबिल्ट होता है। अभी इसमें चाबी नहीं लगाई लेकिन सेंट्रल लॉकिंग देते हैं, वो हमारे हर रिक्शे में होता है। हर रिक्शे में होता है, चाहे लोडर लेंगे चाहे पैसेंजर लेंगे, किसी में भी आप लेंगे, चाहे स्टील वाला मॉडल है चाहे कोई भी मॉडल है, बेसिक मॉडल में भी हम सेंट्रल लॉकिंग देते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप GPS लगा के देते हैं। GPS ऑप्शनल रहता है, अगर कोई चाहे तो हमसे GPS भी लगवा सकता है, GPS लगा सकता है। ठीक है, क्योंकि GPS आपको पता है कि आजकल ई-रिक्शा चोरी होने के भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो GPS उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत सेफ है, उसमें बहुत सेफ रहता है, बिल्कुल। और लोगों ने बहुत लोगों को लगा के दिए भी हैं और वो ऑप्शनल होता है, क्योंकि हर कोई उसको नहीं लेना चाहता, लेकिन जो लेना चाहता है उसके लिए कोई मना नहीं। बिल्कुल, अगर आप समझ पाए कि रिक्शा में E-Loader में GPS की क्या ही इंपॉर्टेंस है तो आप बिल्कुल लगाना चाहेंगे इसके। और सर आपके बिल्कुल मैच हो रहा है ये कलर शर्ट से। बाकी इसको हम उठाते हैं। ये देखिए हमने नॉर्मल उठा दिया है और उठाने के बाद यहाँ पे आपको स्टेपनी मिल जाती है अंदर। हाँ जी, ये स्टेपनी है, यहाँ पे बैटरी की जगह है, यहाँ पे स्टेपनी मिल रही है और यहाँ पे बैटरी की जगह। स्टेपनी इसी में रहती है। हाँ जी, स्टेपनी इसी के अंदर होती है, नट बोल्ट से फिक्स हो जाती है। नट बोल्ट से फिक्स रहता है, लूज है, अभी लूज है। और हाँ। यहाँ पे आपको मोटर है, यहाँ पे मोटर और डिफेंसर लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे आपका बैटरी आता है किधर, 4 बैटरीज है। हाँ जी, 4 बैटरी आती है। मैंने कुछ ही रिक्शे में 5 बैटरी का भी साथ देखा है। इसमें ना एक्चुअली ऑप्शनल आते हैं, 4-5 बैटरी का बनवाना चाहे तो 5 का भी बन जाता है। अच्छा, 5 बैटरी का भी बना देते हैं। नॉर्मली जो चलता है वो 4 बैटरी वाला ही चलता है, नॉर्मल तो 4 ही बैटरी का। 5 बैटरी में क्या फायदा रहता है? 5 बैटरी में ये फायदा रहता है कि अगर आपको लोड ज्यादा उठाना है तो उसके लिए फिर मोटर बड़ी लगती है। और मोटर बड़ी लगने के साथ, जैसे मान लो 2500 वाट की मोटर लगानी है आपने, आपका लोडिंग ज्यादा है, मान लीजिए किसी ने सरिया ढोना है या किसी ने सीमेंट ढोना है या फिर ऐसा कोई हैवी लोड है जो बहुत फैलाव में तो नहीं है लेकिन है इकट्ठा, लेकिन वेट ज्यादा है उसका, तो उसके लिए फिर उसको हैवी बैटरी और हैवी मोटर भी लगा, मतलब दोनों ही एक साथ चेंज होता है। दोनों कितने मोटर तक आपकी चार बैटरी काम करती है? 1000 वॉट है 1500 वॉट तक की हमारी जो मोटर है वो 48 वॉट से ऑपरेट हो जाती है, जो आपका चार बैटरी 1500 वॉट से। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो हमें आपको पांच बैटरी मतलब 60 वोल्ट में जाना, 60 वोल्ट में जाना पड़ेगा। तो चार्जिंग का वही है कि आप 10 घंटे में, 8 से 10 घंटे लगते हैं चार्जिंग। और कैपेसिटी कितना देता है सर? अगर बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ईस्टमैन की बैटरी 135Ah की लगाते हैं तो लगभग अप्रॉक्स 100 किलोमीटर के आसपास चलता है लोडिंग के साथ। सूर्या की बैटरी लगाते हैं 140 एम्पेयर की बैटरी होती है तो 100 किलोमीटर के आसपास, 100 किलोमीटर के आसपास चला जाता है। और वो आपका लोडिंग के हिसाब से कितना आप लोड करते हैं, या लोड के पूरा कितना? सर जो पासिंग होता है वो 600-700 किलो के आसपास पास है। 600-700 मतलब अगर 500 किलो रोज वेट इसमें डाले, जो कि उतना से ज़्यादा कोई नहीं डाल पाएगा। हाँ जितना साइज उसका उस हिसाब से है। और साइज जैसे कि बताया तो 2-3 साइज में आते हैं। हाँ जी, ये हमारा जो है वो जंबो है, बड़ा साइज है। और क्या साइज क्या नाम इसका? 4 बाई 6 फुट है अंदर से, 4 बाय 6 फुट है अंदर से। ये आपका 4 फुट और ये आपका 6 फुट, 6 फुट पड़ जाता है। तो 6 फुट का साइज है 4 बाय 6 फुट का। हाँ और इसमें और कौन कौन कितने साइज आते हैं? इसमें हम लोग 4 बाई 5 का बनाते हैं जो स्टैंडर्ड साइज होता है, 37.5 बाई 53 का जो साइज होता है वो भी हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को बंद बॉडी में चाहिए, किसी को पीछे से खुलने वाला चाहिए, या किसी को सिर्फ हाइट चाहिए, या किसी को बिना इसके चाहिए, क्योंकि हमारे तीनों तरफ से खुल भी जाते हैं। आप चाहें तो इसको अलग करके और नट बोल्ट खोल के अलग कर सकते हैं। ये आपका प्लेटफॉर्म भी बन जाएगा। तीनों साइड से खुल जाते हैं, तो अगर आपको प्लेन इसको निकलवा के प्लेन में यूज करना है तो भी आप यूज कर सकते हैं। तो जिस तरह का आपको यहाँ पे काम करना है, जिस तरह का आपको यहाँ पे काम है, हाँ जी, उस तरह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें, क्योंकि ई-रिक्शा क्या है, ई-रिक्शा में पता है हमें पैसेंजर ही कब बचाने हैं। लोडर में क्या है, किसी को पानी का काम हो सकता है, किसी को बैटरी का काम हो सकता है, किसी को फर्नीचर का काम, किसी को कुछ, जो भी उसके पर्पस के हिसाब से हम लोग इसको पर्पस के हिसाब से इसको यहाँ पे लोडर डिजाइन भी कर देते हैं, जैसा वो चाहता है वैसा बना भी देते हैं। तो जिस तरह का आप चाहते हैं उस तरह का जो आपका काम है बेसिकली उस हिसाब से डिजाइन हो जाता है और फिर वो आपका काम आ जाता है। और कंट्रोलर कन्वर्टर का आपको पता ही 6 महीने की वारंटी मिल रही है, वो सेम है। हम लोग वारंटी चार्ट पूरा देते हैं, वारंटी चार्ट वो पूरा दिखा हुआ है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, वीडियो रोक के आप देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आपको मिल रहा है। ये हम प्रिंटेड भी कस्टमर को भी देते हैं। ये देखिए, कस्टमर जो लेने आता है उसको मिलता है। यहाँ पे वीडियो रोक के जूम करके देख सकते हैं क्या क्या है यहाँ पर। और बाकी यहाँ पे पूरा असेंबलिंग यूनिट है। ये हमारे इंजीनियर हैं जो पूरा सिस्टम देखते हैं। ये इंजीनियर है, ये पूरा यहाँ का सिस्टम देखते हैं कैसे असेंबल होता है, क्या होता है सब। तो ये बढ़िया है। और तो इन्होंने आप ही ने पूरा बनाया है? जी। अच्छा, तो आपको कब से बना रहे हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं? साल से, जब से जुड़े हैं, जब से समथिंग 3 साल हो गया है। अच्छा, मैं ही मैकेनिक हूँ और वो मेरे साथ एक साथी है। अच्छा, काम करते हैं। ठीक। तो 3 साल से यहाँ पे ये भैया बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये इनका अब बिल्कुल आपको ट्रेंड हो गए होगा कि क्या कैसे आप हर तरीके से डिज़ाइन भी करते हैं। बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला सर के साथ नया। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। तो सर आखिरी में बताइए कि अगर कोई लेने आएगा तो प्राइस कितना पड़ता है इसका? सर इसका भी प्राइस अप्रॉक्स बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है, डाले के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें आपका सबसे बड़ी बात हो जाती है डाला। हाँ जी, और डाला चेंज होने से आपका प्राइस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है। तो आप जैसे कि 1,30,000 का रेंज है, 1,30,000 से 1,60,000 30 वही स्टार्टिंग है। उसके बाद ऊपर जितना जैसे करते जाएंगे, जो बैटरी चेंज करेंगे, जैसे भी करेंगे वो सारा कुछ चेंज होगा। सारा कुछ जैसे आप चेंज करेंगे 1,30,000 से 40,50,60 तक भी जा सकता है, जिसके डिपेंड आपका क्या आपने कौन सा साइज़ का डाला लिया है, कौन से साइज़ का आपने कौन से साइज़ का मोटर ले, कितनी बैटरी ले रहे हैं। और इस ऊपर कवर भी आप करते हैं, कवर भी करके कवर वाला भी लेते हैं, पीछे भी बनाए भी हैं कवर वाले बनाए। तो मतलब जिस तरह का आपको डाला लगवाना है उसके डिपेंड करेगा कि आपका ई रिक्शा कितने का पड़ेगा, ई लोडर कितने का पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया। और लोडर आपका लेना है, आप ले सकते हैं, नंबर वीडियो के नीचे आ रहा है, कॉल करिए, लेके जाइए। सर यहाँ बैठे हैं, कुछ भी दिक्कत होगी सर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार हम पे ऐसे ही बनाए। धन्यवाद।